जी अगर काफी समय हो गया, शुरू हो चुका है और मैं कर भी रहा हूँ वो रोल, और कहीं ना कहीं दोस्त पुराने हैं लोग और पहचान वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कई चीज़ें आप अपने इसलिए भी करते हैं कि यू नो लाइक बातें जब होती हैं आपस में तो कहीं ना कहीं करते हैं, तो करुण भी कर रहा हूँ मैं। बच्चन साहब जब कुली के दौरान जब उनको चोट लगी थी, आई वॉज टू स्मॉल, मतलब मुझे याद है कि मैं और मेरी सिस्टर ने मतलब मैं यू नो हेल्प ली थी ऑब्वियसली, बिकॉज इतना मैं छोटा था कि आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद कोई अपना था जो एकता कपूर जी का था, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। एंड ऑफ कोर्स आई कांट डिनाय कि इतने सास बहू या इतने रोमांटिक शोज करने के बाद भी सबका धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले, एंड रियली इवन आई फील ग्रेटफुल बिकॉज स्टार कास्ट इज सच लाइक मिस्टर बच्चन एंड अजय देवगन, जिनको इतने सालों से देखते हुए मैं बड़ा हूँ, और मेरे क्या मतलब जो स्टार्स हैं वो भी उनको देखते हुए बड़े हुए हैं एंड कहीं ना कहीं हमारे आइडल हैं, और यू नो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। सो डेफिनेटली एंड ऑडियंस को मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि इतने सालों से जो टेलीविजन देख रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो इसी तरह देखते रहें और फिल्में भी देखते रहें और अप्रिशिएट करते रहें, दैट्स इट। ओके, अगर आपकी कोशिश की बात है, अभी जी जो जो हैं हमारे बिग बी, उनके साथ आपने काम किया है, इसके पहले भी आपको हैंड रिटन नोट भी दिया था उन्होंने, तो कैसा बॉन्ड शेयर किया है आपने, आप जो फिल्म में आपने साथ में काम किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो जो नोट है वो बड़े मेरे दिल के करीब है, क्योंकि क्या है कि उस समय बच्चन साहब जब कुली के दौरान जब उनको चोट लगी थी, आई वॉज टू स्मॉल, मतलब मुझे याद है कि मैं और मेरी सिस्टर ने मतलब मैं यू नो हेल्प ली थी ऑब्वियसली, बिकॉज इतना मैं छोटा था कि लेटर लिखना उस समय मुश्किल था, लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज फैमिली हमारी फॉलो करती थी बच्चन साहब को ऑलवेज, सो दैट लेटर वॉज देयर एंड स्टिल देयर, सो वो मैंने उन्हें बताया, एंड इनफैक्ट आई थॉट के आई टेल अभिषेक, बिकॉज व्हेन आई वाज वर्किंग विद अभिषेक आई हैड मेंशन दिस, बट कभी ऐसा मौका नहीं मिल पाया कि बच्चन साहब को बता पाएं, जबकि व्हेन आई वाज वर्किंग विद रवि चोपड़ा सर तभी भी उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन ये बात नहीं हो पाई क्योंकि माहौल ऐसा नहीं था, बट दिस टाइम वी हैड इनफ टाइम टू टॉक अबाउट ऑल दिस, सो इट्स बीन रियली ग्रेट। पहले तो मैं एक बार करेक्ट करना चाहूंगा कि एक्चुअली देखा जाए तो टेलीविजन से शुरुआत नहीं बोलूंगा मैं, क्यों, क्योंकि ये ढाई अक्षर प्रेम के विद अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या रॉय जो राज कन्वर जी की फिल्म थी वो मैं पहले कर चुका था, जबकि उस समय कोई एक्सपीरियंस था नहीं, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद कोई अपना था जो एकता कपूर जी का था, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर, एंड ऑफ कोर्स आई कांट डिनाय कि इतने सास बहू या इतने रोमांटिक शोज करने के बाद भी सीआईडी इज सीआईडी, लोगों के दिलों में, लोगों के घर घर में, पूरे देश में जो दिल में जगह बनाई उसके लिए तो आई कांट डिनाय दैट, एंड स्टिल इट्स ऑलवेज नंबर वन, बिकॉज वेयर एवर वी गो वॉट एवर वी डू people know me as Inspector Sachin, so it feels lovely. Okay, इसके अलावा आपके जो upcoming project है रूम में भी हम सुन रहे हैं कि आप आने वाले special role है आपका, तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे क्या है वो? जी गरुण काफ़ी समय हो गया, शुरू हो चुका है और मैं कर भी रहा हूँ वो रोल, और कहीं ना कहीं दोस्त पुराने हैं लोग और पहचान वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कई चीज़ें आप अपने इसलिए भी करते हैं कि यू नो लाइक बातें जब होती हैं आपस में तो कहीं ना कहीं करते हैं, तो करुण भी कर रहा हूं मैं, और आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स, बिकॉज बीच में काफ़ी एक लंबा समय था जब मैं कोविड से यू नो आई वाज नॉट वेल, डेढ़ घंटे मतलब महीने कुछ यू नो आई वाज नॉट वेल, सो आई लॉस्ट आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई वाज सपोज टू डू, बट अब नाउ थिंग्स आर देयर एंड सून आई विल टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स आल्सो। देखिए क्या है कि मुझे एज एन एक्टर हमेशा लगता है कि अगर जिन लोगों को मुझे जो मुझे फॉलो करते हैं या जानते हैं मेरी जर्नी के बारे में, कोई अपना सा ऑल्सो आई प्लेड अ कैरेक्टर वेयर इट वॉज अ लव रोमांटिक शो, बट कहीं ना कहीं मैंने ये कभी दिमाग में नहीं लाया मैंने कि मेरा एज क्या लुक लग रही है, या मैं 24 साल का हूँ तो मैं एक 50 साल की उम्र का एज अगर मुझे प्ले करना है स्क्रीन पे, तो आई नेवर हैड एनी इशूज़, सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं अलग अलग कैरेक्टर करता रहूँ, अलग अलग किरदार, अलग अलग तरह की चीज़ें, यू नो नॉट गेट स्टक इन वन पर्टिकुलर रोल, क्योंकि वो हमेशा हुआ है, क्योंकि आप रोमांटिक करते हैं तो बार बार उसी तरह के फ़ोन आते हैं आपको,
तो ये मैंने देखा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पोरस भी हमने किया, पोरस वाज आल्सो लार्जर देन लाइफ यू नो शो एंड वी डिड दैट। आफ्टर दैट आई वाज डूइंग जग जननी व्हिच इज अगेन इट वाज अ माइथोलॉजिकल। तो कहीं ना कहीं आई हैव बीन डूइंग डिफरेंट शोज, सो इट्स बीन ग्रेट। ऑल दोस मीडियम्स, ऑल द थिंग्स आर लाइक द सेम, एज एन एक्टर यू आर डूइंग दैट, बट ऑल फाइन आई गेस। और अब तो एब्सोल्युटली करना चाहूंगा, क्योंकि पहले कई बार ऐसा हुआ कि कुछ फोन आए और हम उस समय टेलीविजन इस तरह से कर रहे थे कि 29 डेज 28 डेज वी वर कंटिन्यूअसली डूइंग इट, सो डिडंट हैव सो मच टाइम, बट नाउ आई एम डूइंग डिफरेंट थिंग्स, सो डेफिनेटली वुड लव टू डू समथिंग रियली एक्साइटिंग। मैं लॉकअप में नहीं जाना चाहूंगा। एक दो एपिसोड मैंने देखे, खासकर यू नो आई मीन ऑब्वियसली कंगना का जो भी एक बोल्ड अवतार या फिर करण वरण जो सबके थे, तो वो पर्टिकुलर एपिसोड देखा मैंने, काफी हंगामा है और काफी खतरनाक है। मैं फैंस को यही कहना चाहूंगा कि जैसे आप हमेशा अपना प्यार हमें देते रहे हैं, देते रहिए और देखते रहिए, और कहीं ना कहीं जो फैंस जुड़े हुए हैं उनका ये रहता है कि सर जो आप जिस तरह का काम करते हैं, दैट्स व्हाट दे लाइक अबाउट माय वर्क, दैट आई हैव बीन डूइंग नीड एंड क्लीन एंड डिसेंट वर्क, सो आई विल कीप डूइंग दैट।